गुड इवनिंग, नमस्ते एंड स्वागत है सभी लोगों का एसएससी अड्डा बाय अड्डा 24/7 पर। तो भाई सभी लोग आ चुके हैं। अच्छा, कुछ लोग तो आ चुके हैं, कुछ लोगों का वेट करते हैं। तो सबसे पहले तो सभी लोग कैसे हैं? घर पे ही है ना? एंड सभी लोग सुरक्षित हैं, सेफ हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है? पहले तो जल्दी से ये बताइए, कल के सेशन में किया था ईडियम्स एंड फ्रेजेस, आज करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत सारे लोगों की दिक्कत है। अब यार दिक्कतें तो हमारे जीवन में है ही, तो क्या करें, उनसे डर के थोड़ी बैठ जाएंगे, उनसे लड़ेंगे और उन दिक्कतों से ऊपर उठ के दिखाएंगे, है ना। तो कल ईडियम्स में खूब सारे ईडियम्स याद किए थे, बहुत ही बढ़िया, एकदम मार्वलस परफॉर्मेंस थी आपकी, मार्वल की मूवी जैसी। और आज करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब पता है कि शब्द से ही पता चल रहा है कि वोकैबुलरी का टॉपिक है। वैसे भी भाई मंडे टू सैटरडे शुरू के 3 दिन करते हैं ग्रामर, बाद के 3 दिन करते हैं वोकैबुलरी, है ना। हाय करण, राम, शिवांग, रिचा, पंडित जी, विकास, सनी एंड किसी का नाम रह गया तो कतई बुरा नहीं मानना है, क्योंकि मैम सभी के लिए अच्छा सोचती हैं, ठीक है। ऑल राइट, जो एक बार फिर से गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, सारे के सारे जल्दी से आ जाओ फटाफट से, यार एक बार शेयर मार दो सभी के साथ में, कोई भी छूट ना जाए आज के बेहतरीन से ज्ञान से, है ना। चलिए तो शुरू किया जाए जल्दी से, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले हम पहुंच गए हैं लास्ट पीपीटी पे, से पहले शुरुआत में लेकर आते हैं। या सबसे पहले जो सब लोगों को सब्सक्राइब करना है, जो भी नए लोग जुड़े हैं, एंड देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही बढ़िया सा फंडा है। वो बढ़िया सा फंडा क्या है कि यहाँ पर जिस किसी को रूट वर्ड्स का अच्छा सा ज्ञान है ना, वो वन वर्ड को बहुत जल्दी याद कर लेता है और उन्हें भूलता नहीं है। क्योंकि होता क्या है ना कि गाइस, वन वर्ड में ना आप एक शब्द से कम 5 और मैक्सिमम 20 शब्दों को याद कर सकते हो। दिस इज अ फैक्ट। सपोज कीजिए कि मैंने एक वर्ड सोम ले लिया, जिसका मतलब होता है नींद। आपको पता है इससे कम से कम 15 वर्ड बनते हैं, इनसोमनिया, जो सो नहीं सकते, है ना। सोम एम्बुलेंस्ट, मतलब एम्बुलेंस मतलब चलना, जिनको नींद में चलने की आदत होती है। एंड सोमनी लॉक्विस्ट, लोक्यो मतलब बोलना, जिनको नींद में बोलने की आदत होती है। सोमनियक, एक ऐसा व्यक्ति जिसको नींद की प्रॉब्लम है। ऐसे ही हर्प हाइपर सोमनिया, जिनको बहुत ज़्यादा सोने की आदत है। एंड ऑल बात करेंगे इसके वर्ड्स की भी जल्दी एक और सेशन में, जहाँ पर सिर्फ रूट वर्ड्स पढ़ेंगे एंड आपको याद हो जाएंगे इस कायनात के कम से कम 250 से 300 वर्ड्स। वो सेशन को भी जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। बट फिलहाल के लिए मैं आपसे वही बता रही हूँ कि भाई रूट वर्ड्स अगर आपको याद हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि कम से कम अगर आपने 20 रूट वर्ड याद कर लिए, 20 टाइप के वर्ड्स अगर आपने याद कर लिए, उस 20 टाइप के वर्ड से आप 200 वर्ड्स को आराम से याद कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम करेंगे सवालों के माध्यम से, ठीक है। राइट जी, करण, बोथ नेम्स आर माइन, इधर यू कैन से राखी मैम या रूही मैम, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए जी, तो क्या करना है हम लोगों को, चलो जल्दी से मैं आपको सेशन की शुरुआत करके बताती हूँ कि ये कैसे करने वाले हैं। तो आज का सेशन हम कैसे करने वाले हैं, हम आपको एक सवाल देंगे, उस सवाल में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आप उस सवाल का आंसर देंगे और बाकी के जो 3 वर्ड्स होंगे उनका जवाब आपको हम देंगे। तो हम एक सवाल से कितने वर्ड याद कर रहे हैं, 4। माना कि 20 सवाल हुए तो कितने वर्ड याद हो गए, 80, और 25 सवाल हो गए तो कितने याद हो गए, 100। तो आर यू गाइज रेडी, जल्दी से बोल दीजिए यस मैम रेडी, क्योंकि मैम है बिल्कुल तैयार फुली एनर्जी के साथ। सब लोग जल्दी से बोलो, यलगार हो, स्टार्ट किया जाए, है ना। हाय रुचि, शिवांग, सुमित, प्रज्ञा, सबने लाइक शेयर कर दिया होगा, मुझे ऐसा पूरा भरोसा। चलिए पहला सवाल लेकर आते हैं आपके लिए बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये है, उसके पहले आज का एक बढ़िया सा वर्ड देख लेते हैं गाइस, मैं भूल ही गई बिल्कुल। देखो कोमोडियस मेरा आज का वर्ड है। कोमोडियस आपको याद करना है, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारा सामान आ जाए। सो चाहे कोमोडियस हो, चाहे रूमी, रूमी तो आप रूम से याद कर लोगे। कैपेशियस को आप याद कर लेना, कैपेसिटी, भाई कोई ऐसा रूम है जिसकी बहुत सारी कैपेसिटी है, वहाँ पर 100 लोग आ सकते हैं, होता है कि ऐसा रूम, चलो होता होगा, तो उसे आप कैपेशियस बोलोगे। स्पेशियस, जहाँ पर बहुत सारा स्पेस हो। एम्पल का मतलब आप जानते हो, ज़्यादा। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड, नैरो या फिर एक्सक्लूसिव, भाई जो बहुत कम हो। एग्जाम्पल बनाया है कि जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है ना, वो बहुत बड़ा है, वहाँ पर बहुत सारी जनता बैठ सकती है, बहुत सारे लोग बैठ वहाँ पे क्रिकेट देख सकते हैं, ठीक है, मतलब स्पोर्ट देख सकते हैं। वर्ड आज का समझ में आया, ठीक है। चलिए पहला सवाल लेकर आते हैं आपके लिए। आज का पहला सवाल है हमारे कुछ आलसी लोगों को समर्पित, एक्सेसिव डिज़ायर टू स्टे इन बेड। ऐसे लोग जिनको बड़ा मन करता है कि बेड पर पड़े रहें, इस डिज़ायर, इस इच्छा को क्या कहा जाता है, ठीक है।
हमारे यहाँ वैसे इसे कुंभकर्ण जिसे प्रेरित कहा जाता है, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। ऐसी इच्छा जहां पर बहुत बेड पे रहने का मन करे उसे क्या कहते हैं? जी बिल्कुल गोविंद, नॉर्मलाइजेशन ऐसे होता है कि जिस शिफ्ट में आपने पेपर दिया है, अगर उस शिफ्ट का आपका पेपर बहुत आसान रहा है और शाम की शिफ्ट का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट रहा है, तो आपके कुछ मार्क्स काट के डिफिकल्ट वालों को दे दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका नुकसान हो जाएगा, बट जिसका पेपर बहुत डिफिकल्ट आया उसकी कोई गलती नहीं है, तो उसकी इस गलती क्योंकि उसकी गलती नहीं है तो इसलिए उसकी भरपाई के लिए नंबर दे दिए जाते हैं। दिस इज एक्चुअली वॉट हैपन्स इन नॉर्मलाइजेशन। तो जवाब आ रहा है डी बी और सी, डी बी और सी। चलिए तो देखा जाए कि भाई करेक्ट आंसर कौन सा है। क्या ये है मेलोमेनिया, क्या ये है हमारा क्लिनोमेनिया, डायनोमेनिया। तो डायनो तो डायनासोर जैसा साउंड कर रहा है ना। आजकल इस पर एक जोक बना हुआ है, पूछ रहे हैं चाइनीज लोगों से कि डायनासोर खुद ही मर गए थे कि तुम उन्हें भी खा गए थे, है ना। या फिर हमारा वर्ड है कौन सा, मेलनोमोनिया। अब बता दूं मैं आपको कि मेलनोमेनिया कोई वर्ड नहीं होता है, तो एक ऑप्शन तो यहाँ से आप लोग बिल्कुल काट दीजिए। तो जितने भी लोग नंबर डी पे जा रहे हैं आप लोगों के लिए मुझे बहुत खेद है, क्योंकि मेलनोमोनिया नहीं होता है, इट इज ओनली मेलोमेनिया। अब सबको पता है वॉट इज मेलोडी। मेलोडी एक तो वो चॉकलेट वाली बात होती है, मेलोडी का मतलब होता है बेहतरीन संगीत। बट मेनिया जब भी यूज होता है तो गाइज ये अच्छा नहीं होता है। मेनिया इज लाइक मैनिक हो जाना, मतलब एक्सेसिव, मतलब जरूरत से ज्यादा हो जाना। अच्छा डायनो को कैसे याद करें, डायनो को याद रखना डायनासोर से, मेलेनोमेनिया होता नहीं है। तो ये चला गया भाई हमारा म्यूजिक को, ये चला गया हमारा डायनासोर्स को, बचा हमारे पास नंबर बी। ऐसे करते हैं एलिमिनेशन से सवाल। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन की टेक्निक। अगर आपको चार में से तीन के बारे में पता है, एक आपने जीवन में कभी नहीं देखा, तो जिन तीन के बारे में पता है उन्हें छोड़ के जो बचा उसको अपना जवाब बना दीजिए, है ना। सो एक्सेसिव डिजायर टू स्टे इन बेड इज कॉल्ड क्या, क्लाइनोमेनिया, मेलोमेनिया एक्सेसिव एबनॉर्मल अट्रैक्शन टू म्यूजिक, डायनोमेनिया अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन और एंथुजियाज्म फॉर डायनासोर्स, मेलनोमेनिया कुछ भी नहीं होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी। बताइए जी, डन। चलिए अगला सवाल ले लिया जाए, कोई बात नहीं, कोई लेट नहीं है अभी सेशन के लिए, पहले सवाल पे ही है। अगला सवाल लीजिए, क्या लिखा है, अ ग्रुप ऑफ पीपल अटेंडिंग और सराउंडिंग एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। एक बंदा है जो बहुत ही वीआईपी है भाई साहब, और इनके बराबर में जो लोग हैं ना, इस ग्रुप को क्या कहा जाता है। एक वीआईपी भाई साहब हैं और उनको अटेंड करने के लिए बहुत सारी भीड़ एकत्रित हुई है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डॉडल, इसे कहते हैं वेयार्ड, इसे कहते हैं एंटोरेज, या इसे कहते हैं एमिसर। एमिसरी याद है, एमिसरी कुछ सुना है वर्ड, या वेरी गुड सुरेंद्र, एलिमिनेट इज द बेस्ट वे टू फाइंड द करेक्ट आंसर। गाइस थोड़ा बहुत बफर होगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस क्या करना है, बस आपको आराम से रिस्पॉन्स करते रहना है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को आवाज आती रहेगी, ठीक है। चलिए ऑल राइट, तो भाई क्या बनाया, बताया आप लोगों ने करेक्ट आंसर, नंबर ए और नंबर बी को जा रही है वोट, राइट। तो चलिए चेक किया जाए कि भाई करेक्ट आंसर कौन सा, एमिसर जा रहा है आंसर। आर यू श्योर एमिसर इसका सही जवाब है, एमिसरी। एमिसरी क्या इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए कहा जाता है, एमिसरी कभी सुना है किसी व्यक्ति ने, एमिसरी। गाइज अगर बफर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मुझे नोटिफिकेशन दे रहा है कि थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है, बट टेंशन मत लेना, ठीक है। देखिए गाइज जो लोग आप में से एमिसर बता रहे हो ना, एमिसर एक्चुअली एमिसरी से वर्ड आया, और ये होता है कि जैसे एम्बेसडर होता है ना, एम्बेसडर से आप इसे याद रख लेना कि जब किसी भी देश से दूसरे देश किसी बात को बताने के लिए भेजा जाता है, जो संदेश प्रवाहक होता है उसे एमिसर या उसे एम्बेसडर। अब एम्बेसडर तो क्या करता है, एम्बेसडर तो जाके अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन लेकिन जो दूतवाहक होता है वो क्या काम करता है, वो भाई किसी भी बात को लेके जाता है और सामने वाले को जाके बताता है। सो करेक्ट आंसर था गाइज आपका क्या, एंटोरेज। डॉडल क्या था, डॉडल का मतलब होता है टाइम को वेस्ट करना, बहुत ज़्यादा स्लो रहना, स्नेल की तरह। वेयर था स्टबर्न, स्टबर्न बोले तो रिजिड, जिसे कहा जाता है हिंदी में जिद्दी, जब कोई बहुत जिद्दी होता है, बहुत डिटरमाइंड होता है,
बट पॉजिटिव में हम इसका यूज़ थोड़ा कम करते हैं. एम्बेसडर जैसे कि मैंने आपको बताया एम्बेसडर से निकाला गया है, बट एक बात का ख्याल रखना, एम्बेसडर्स वो होते हैं जो कंट्री को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं. जैसे ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं ना, ऐसे कंट्री के एम्बेसडर्स होते हैं. एम्बेसडर वो होते हैं जो दूत होते हैं, जो मैसेज लेके जाते हैं एक कंट्री का दूसरी कंट्री के लिए. दोनों में डिफरेंस आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना. एम्बेसडर और एम्बेसडर सिनोनियम में भले कहे जाते हैं, बट दोनों की जो कार्यप्रणाली होती है वो अलग होती है. एक कंट्री को रिप्रेजेंट करना और एक कंट्री का मैसेज लेके जाना, थोड़ा सा बस डिफरेंसेस ज्यादा नहीं है, बट दोनों अलग अलग प्रकार की जॉब्स हैं. हाँ, अगला सवाल नंबर 3 लिया जाए. टू सेंड समवन बैक टू हिज और हर ओन कंट्री, किसी को वापस उसके देश भेजने को क्या कहा जाता है? एक्सट्रपेट, रेपेट्रिएट, एक्सप्रोप्रिएट या एग्जाइल? बहुत ही बढ़िया सवाल. आज भोजन नहीं किया तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल पेट से आवाज आ रही है. टू सेंड समवन बैक टू हिज और हर ओन कंट्री, किसी को इसके देश वापस भेज देने को भाई क्या कहा जाएगा? अच्छा, इसका सबसे पहला वर्ड देख रहे हो ना, पहला वर्ड बहुत बढ़िया. कैसा साउंड कर रहा है? एक्स्ट्रा पेट जैसा साउंड कर रहा है ना. तो इसको याद करने का देखो बहुत बढ़िया तरीका है. एक्स्ट्रा पेट को कैसे याद रख लेना, कि हमें एक्स्ट्रा पेट को एक्सट्रपेट करना चाहिए. हमें एक्स्ट्रा पेट को एक्सट्रपेट करना चाहिए योगा करके. मतलब क्या कर लेना चाहिए? उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए. सो व्हाट डज इट मीन? हमेशा के लिए किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना. एक्स्ट्रा पेट को एक्सट्रपेट कर लेना चाहिए, हमेशा के लिए किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना. तो पहला तो पता चल गया कि पहला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना. एग्जाइल, एग्जाइल होता है क्या इसका आंसर? शायद एग्जाइल भी नहीं होता है, राइट? तो करेक्ट जवाब मेरे पास, सबसे ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि मैम सही जवाब होना चाहिए हमारा नंबर सी, एक्सप्रोप्रिएट. मतलब हाँ, ओके. तो अभिजीत भी भाई यही बोल रहे, चलिए ठीक है, चेक किया जाए कि सही जवाब क्या है. सही जवाब था गाइज रेपेट्रिएट. रेपेट्रिएट का मतलब होता है किसी को उसकी कंट्री में वापस भेजना. वैसे भी री का मतलब ही होता है बेटा जी वापस, तो बहुत बढ़िया तरीका याद करने का, रिटर्न से याद रख लेना, ठीक है. एक्सप्रोप्रिएट कोई चीज़ बेकार है इसे यहाँ से लेके जाओ, टेक अवे कर देना, वहाँ से अलग कर देना, ठीक है. मतलब याद करने का तरीका बता रही हूँ, एग्जैक्टली ऐसे ही मत याद करना. एग्जाइल का मतलब क्या होता है? जब किसी को किसी की कंट्री से बाहर, मतलब क्या कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है कि अब तुम इस कंट्री में नहीं आ सकते, ठीक है. वो हो जाता है ना कि जब कहीं पे वीजा लगाते हैं तो वहाँ से कैंसिल हो जाता है, तो दैट इज एक्चुअली व्हाट एग्जाइल. एक्सट्रपेट समझ में आ गया, एक्स्ट्रपेट को हमेशा के लिए एक्सट्रपेट कर लो, इरेडिकेट कर लो, डिस्ट्रॉय कर लो कंप्लीटली. एक्सप्रोप्रिएट चीज़ इनअप्रोप्रिएट है इसलिए इसको टेक अवे कर लो. एग्जाइल का मतलब क्या हो जाएगा? किसी को किसी कंट्री से एग्जाइल कर देना, मतलब उसको वहां आने के लिए मना कर देना, ठीक. जैसे क्या होता है, इनहेल एक्सहेल, तो उसको उसकी कंट्री से क्या कर दिया, एक्सहेल, निकलो यहां से, अब यहां आना मत वापस, ठीक है. ऐसे याद कर लोगे ना, बहुत बढ़िया. हाँ, देश निकाला देना, बहुत अच्छे, वेरी गुड. चलिए अगला सवाल लिया जाए. अगला सवाल इस नंबर 4, बताइएगा शोइंग स्ट्रांग फीलिंग्स, किसी भी चीज के लिए अपनी स्ट्रांग फीलिंग्स को दिखाने को क्या कहते हैं? मीक, वेमेंट, पैथेटिक या फिर इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं जी? गाइज हमेशा मैंने कहा है कि ऑब्जर्वेशन अगर हमारी स्ट्रांग होगी ना तो बहुत आसानी से वर्ड्स याद हो जाएंगे, ठीक है. मतलब गाइज हमारे पास 100 लाइक्स भी नहीं हुए हैं, क्यों देखा मैंने ये लाइक खोल के? यार ऐसे क्यों कर रहे हो यार, लाइक कर दो प्लीज़. लकला जी, क्लास का टाइम 10:15 से होता है, ठीक है, और जब तक कॉन्टेंट ख़त्म नहीं होता तब तक क्लास चलती रहती है. डिस्पोजेबल साइज एक्सप्रोप्रिएट करूँ, ओके. बेस्ड इंग्लिश कोर्स बता दीजिए जी. अमृता, बिल्कुल अमृता, इवन आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज कि मेरा बैच आने वाला है जिसका बहुत लोग पूछ रहे थे, जल्दी बताऊंगी, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर बताएंगे, ठीक है. सो गाइज शोइंग स्ट्रांग फीलिंग, व्हाट इज मीक? मीक पता है कैसे बोलते हैं? मीक कहते हैं कि यार मतलब बहुत ही मीक पर्सन है. मीक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी खुद की कुछ चलती नहीं है, जिसे जो जैसा बोल दे वहाँ पीछे पीछे चला जाए. इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब क्या कहेंगे यार, लाइक मीक पर्सनैलिटी इज लाइक जो खुद से डिसीजन ना, जो खुद से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाए, जैसा दूसरे ने कहा उसके पीछे पीछे चल दिया, काइंड ऑफ, ठीक है. अपैथेटिक, अपैथेटिक का मतलब क्या हो जाएगा? पैथेटिक क्या होता है? एंड इम्पॉर्टेंट का मतलब तो पावर होता है. तो सही जवाब शायद सबको मिल चुका होगा, सही जवाब इज वेमेंट. गाइज मैं तो ऐसे ही करती हूँ, सच बता रही हूँ. ऐसा नहीं होता कि हर बार मुझे भी आंसर पता होते हैं, बट
अगर चार में से तीन के आंसर पता है ना, तो 90% श्योर होके मैं अपना जवाब लगा देती हूँ. सो मेक अ पर्सन हु इज विलिंग टू गो अलोंग विद वट एवर अदर पर्सन वॉन्ट टू गो. दूसरा बंदा जहां लेके जाना चाहते हैं बस वहीं पीछे पीछे चल रहे, खुद अपना दिमाग ना लगाए. सो वेमेन, जब किसी भी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हो. अपैथेटिक, तो अपैथेटिक ऑफ और एबसेंस होता है, तो अपना इंटरेस्ट किसी भी चीज में ना दिखाने को, उदासीन होने को क्या बोलते हैं, अपैथेटिक बोलते हैं. ठीक है, मतलब कहते हैं न्यूट्रल है. इंपोर्टेंट, पोटेंट मतलब पावर होता है जी, पोटेंट मतलब पोटेंशियल होता है, इम लगाने का मतलब नेगेटिव हो जाएगा. तो जिसमें पावर नहीं है, जो बिल्कुल लाइक बेकार है, उसमें कोई पावर नहीं है, उसे इंपोर्टेंट कहा जाएगा. ठीक है, डन. चलिए अगला सवाल लिया जाए. चलिए, सो वन हु डज ऑल स्टडीज विदाउट सीरियसनेस. ऐसे तो बहुत लोग होते हैं जो पढ़ते हैं लेकिन वो सीरियस नहीं होते, उसे क्या कहते हैं भाई, उसे कहते हैं डिलिटेंट, उसे कहते हैं डिलिजेंट, उसे कहते हैं डिलिबरेट, उसे कहते हैं डिस्ट्रैक्टेड. क्या कहते हैं उसे? अब एक तो बिल्कुल पक्का आपने क्रॉस कर दिया होगा, देखते ही है ना गाइज. मेरा नेट खराब हो रहा है, मुझे ना कॉमेंट नहीं मिल पा रहे आपके. दोबारा चलाती हूँ इसको मैं, अब दिख गए. ठीक है, हाँ जी. तो क्या लगता है भाई, केतन इंग्लिश में वीक हूँ कहना नहीं है, इंग्लिश को पढ़ना है. ठीक है, वीक वीक नहीं करना, पढ़ना है और पढ़ने के बाद बताना है कि अभी भी वीक है कि नहीं है. वन हु डज और स्टडीज विदाउट सीरियसनेस, जब कोई किसी काम को बिना सीरियसनेस से कहता करता है तो जी क्या कहते हैं? डिलीजेंट तो बिल्कुल भी नहीं कहते. डिलीबरेटली किसी काम को करना बिल्कुल भी, डिस्ट्रैक्टेड मतलब डाइवर्ट हो जाना. तो डाइवर्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, डिलीबरेट भी नहीं होगा, डिलीजेंट भी नहीं होगा, बट हाँ डिलीजेंट जरूर होगा. इसका जवाब है ना, बिल्कुल जी, सब लोग एकदम बढ़िया बताया है. रुचि बिल्कुल अच्छे, राहुल बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया. डिलीजेंट, वेरी हार्ड वर्किंग, दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड. जनरली डी वाले वर्ड हमारे नेगेटिव होते हैं, बट दिस इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड. डिलीबरेट, जब किसी काम को हम डिलीबरेटली करते हैं, मतलब ऐसा मेरा मन नहीं था, नहीं मेरा मन था, मैंने ये ऐसा काम जानबूझे किया, आई डिड दिस डिलीबरेटली, मतलब मेरा इंटेंशन था ये करने का. एंड डिस्ट्रैक्टेड बोले तो डाइवर्टेड, जब किसी भी जगह से आप क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं. माना कि पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते व्हाट्सएप बज गया टी 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 टी, और आपने क्या कर दिया, बुक बंद करके देखूं यार जरा क्या आया है. अब देखते 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 अब सारे के सारे स्टेटस भी चेक करने पड़ेंगे, दो चार के मैसेज आए वो भी देखने पड़ेंगे, तो आप क्या हो गए, आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए. सो नेवर बी डिस्ट्रैक्टेड, अपने अच्छे काम से कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. ठीक है, उमंग ले लिया आपका नाम, ठीक है, अवार्ड मिल गया इस बात से. चलो नंबर फिफ्थ देखते हैं. ठीक है, लिखा है वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो गलतियां नहीं करता है, जो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पेसिमिस्ट, उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, उसे कहते हैं इनफॉलिबल, या उसे कहते हैं हिपोक्रेट. कोई भी बुरा नहीं मानेगा मेरी बातों का, ठीक है, दिल से मैं बहुत अच्छी हूँ. ठीक है, ओके उमंग, बुरा मत मानना, ले लिया आपका नाम. गाइज लाइक करना है सभी लोगों को, एंड सही जवाब दिया है सबसे पहले. अरे कोई लेट नहीं है शिवम, लेट नहीं हो भाई. हाँ राजीव, अभी कहाँ से लेकर आए, बड़ी दिक्कत है यार, सब कुछ बंद पड़ा है. सो कोई ऐसा व्यक्ति जो मिस्टेक्स ना करे, ऐसे तो बस गॉड है ना. देखो समझो, यहाँ पे ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट, ये दोनों वर्ड्स ना मतलब एक ही कैटेगरी के हैं. ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, आशावादी मतलब वो व्यक्ति जो हमेशा पॉजिटिव होता है, जैसे कि मैं. पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सड़ा हुआ मुंह रखता है और हर बात में नेगेटिविटी निकालता रहता है. तो इसका मतलब दो वर्ड तो अब आपको समझ में आ गए, ये दो तो अब आपके आंसर होने नहीं चाहिए. इनफॉलिबल मतलब जिस चीज को गिराया ना जा सके, और जिसे गिराया ना जा सके वो चीज कैसी होगी, वो चीज कभी मिस्टेक नहीं करेगी, जो कभी गिरेगी नहीं, जो कभी किसी काम को गलत नहीं करेगी. व्हाट इज हिपोक्रेट, हिपोक्रेट पाखंडी, पाखंडी बोले तो पाखंडी का मतलब होता है भाई वो जो क्या करता है, जो ऐसे मतलब चीट करता है, या फिर जो पाखंड में भरोसा करता है. एक मिनट जरा जी, बैटरी लो. राइट गाइज, आगे बढ़ लिया जाए. चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल लेते हैं नंबर सिक्स. राइट, चलिए सवाल नंबर सिक्स ये रहा आपके सामने. वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड, गॉड आपसे ये नहीं कह रहा
नहीं मैं क्यों बताऊं, पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगी, ऐसे तो आपको पता चल जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो गॉड के बारे में श्योर ना हो उसे एथीस्ट कहते हैं, उसे एग्नोस्टिक कहते हैं, उसे मिसोगेमिस्ट कहते हैं या उसे मिसोगाइनिस्ट कहते हैं। बाकी के सारे वर्ड्स बहुत ही बढ़िया हैं, आप लोग एकदम देख के बता दोगे। एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है जो उसे क्या कहते हैं, विश्वास नहीं करता, नहीं जो ईश्वर के बारे में श्योर नहीं है, बस यही तो मैं आपको बताना चाह रही थी, निकल गया मुझसे। गाइस देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो गॉड में विश्वास करते हैं, एक वो होते हैं जो गॉड में विश्वास नहीं करते हैं, और एक वो होते हैं जो ना तो ये कहते हैं कि जी है, ना ये कहते हैं नहीं है, बस दे आर नॉट श्योर अबाउट गॉड। तो इन्हें मैंने पूछा इस कैटेगरी को क्या कहते हैं। अथीस्ट की बात करें तो अथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक, जो ईश्वर में भरोसा करता ही नहीं है। एग्नोस्टिक अभी ले लेते हैं, इसको भी देखेंगे। व्हाट इज मिसोगेमिस्ट, एक बात का ध्यान रखना, जब आपके किसी भी वर्ड में गैमी वर्ड आ जाए ना, गैमी, तो गैमी का मतलब होता है शादी, इसलिए गैमी के सारे वर्ड हमेशा मैरिज से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी वर्ड हो। जैसे कि मोनोगैमी, तो मोनोगैमी का मतलब होता है एक शादी करने की प्रथा जो कि हमारे यहाँ होती है। ऐसे ही बाईगैमी का मतलब होता है जिसकी दो शादियाँ हों। ऐसे ही पोलीगैमी का मतलब होता है जिसकी बहुत सारी शादियाँ हों, ठीक है। और ऐसे होता है क्या हमारा मिसोगैमी, अब आपको पता है मिस का मतलब होता है क्या, नेगेटिव, तो मिसोगैमी मतलब जो शादी नहीं करना चाहता, शादी ना करने का प्रोसेस। और जब किसी वर्ड में आईएसटी लग जाए तो समझ जाना कि ये एक बंदा है, तो ये एक पर्सन है। सो मिसोगैमी शादी ना करना, और आईएसटी मतलब पर्सन, एक ऐसा बंदा जो शादी नहीं करना चाहता उसे मिसोगैमिस्ट कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिसोगाइनिस्ट, आपको पता है ना गायनी कौन होती है, गायनी होती है जो लेडीज जो डिजीज होते हैं उनको जो ट्रीट करती है। सो गायनी की जो टर्म है वो रखी गई है किसके लिए, लेडी के लिए, महिला के लिए। अब इसमें फिर आ गया मिसो, मिसो का मतलब मैंने आपको बताया नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जो लेडी को पसंद नहीं करता, जो वेमेन से नफरत करता है, उसे मिसोगाइनिस्ट कहते हैं। तो हटा दीजिए सी बी डी बी ए बी, बचा आपका उत्तर क्या, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक बोले तो वो व्यक्ति जो अज्ञ है, जो ना तो ईश्वर के बारे में सोचते हैं कि है, ना ये कहते हैं कि नहीं है, ये वो लोग हैं, अज्ञ कहा जाएगा ना इसको, आई होप सो। तो ये वो लोग हैं जो सिर्फ श्योर नहीं है, और इस कैटेगरी में हमारे देश में बहुत सारे लोग आते हैं। बताइए जी, चारों वर्ड क्लियर, अथीस्ट कौन, जो नहीं विश्वास करते, थीस्ट कौन, जो भगवान पे भरोसा करते हैं। एक और बात याद रखना कि थी वाले ज्यादातर वर्ड गॉड के लिए जाते हैं, जैसे कि थियोलॉजी, तो वो स्टडी जिसमें गॉड के बारे में पढ़ा जाता है, जैसे कि थियोक्रेसी, वो सरकार जो भगवान के नियमों के द्वारा चलाई जाती है। थी वाले वर्ड रखे गए हैं किसके लिए, गॉड के लिए ज्यादातर वर्ड, राइट। कितने वर्ड कनेक्ट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बताओ इससे ज्यादा बढ़िया कहीं मिलेगा क्या। अब जल्दी से इसी बात पे बनता है लाइक, तो फटाफट से सब लोग कर दें एक बार लाइक, और मुझे लगता है हमारे पास 200 लाइक तो हो गए होंगे। चलो जल्दी से बढ़ते हैं आगे अपने अगले सवाल की ओर। या हमारा आंसर बिल्कुल सही था, इसके लिए होनी चाहिए तालियां, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल नंबर 7, अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, एक ऐसा लाइक इलाज जो हर एक बीमारी के लिए हो। यार ऐसा कोरोना के लिए तो कोई नहीं बना। अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, हर बीमारी के जो क्योर है, हर बीमारी का जो इलाज है जी, उसे क्या कहते हैं, आपको ये बताना है गाइज। अशोक कुमार, अगर कोई भी नया इंग्लिश का वर्ड पढ़ते हैं उसको याद रखने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि आप उसका प्रयोग करें। जब तक आप उसे यूज नहीं करेंगे आपको याद नहीं होगा, ठीक है। सौरभ, सर पे पड़ने वाले लॉकडाउन खुलते ही सारी वैकेंसी दोबारे आएंगी, चुपचाप सुन लो, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर ऑलरेडी बोल चुके हैं कि यूपीएससी में, आपको पता होगा कि ऑलरेडी एक कौन सी हमारी यूपी पीसीएस वाली शायद वैकेंसी आ चुकी है। तो गाइस ज़्यादा आराम से बैठने की जरूरत नहीं है, क्या रामायण महाभारत के चक्कर में लगे रहते हो, चुपचाप पढ़ लो बैठ के सबके सब लोग, ठीक है। चलिए, तो लेक्सेटिव, पेनेसिया, एंटीडोट एंड पर्जेटिव। अब पर्जेटिव तो हमारा इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि पर्ज इस काइंड ऑफ किलिंग हो जाता है, उससे रिलेटेड वर्ड होगा। एंटीडोट तो वो होता है जो जहर को ख़त्म करने के लिए दिया जाता है, अगर कोई पॉइजन है तो उस पॉइजन को ख़त्म करने की जो दवा है वो एंटीडोट है। बचा हमारा लेक्सेटिव एंड पेनेसिया। अब सही जवाब हमारे पास आ रहा है नंबर सी, एंटीडोट, आर यू श्योर, पेनेसिया। तो जी बिल्कुल सही बात है, जिन्होंने पेनेसिया बताया बिल्कुल सही जवाब है। लेक्सेटिव वो दवाइयां होती है जिनमें लेक्सेटिव इफेक्ट होता है, इट्स अ काइंड ऑफ ड्रग, ड्रग इज मतलब मेडिसिन वाला। और पर्जेटिव एंड लेक्सेटिव दोनों भी सेम ही प्रकार के वर्ड्स होते हैं, थोड़े से साइंटिफिक टर्म्स हैं इनमें। और अगर बात करें हम पेनेसिया, तो पेनेसिया कहा जाता है उस क्योर को, उस इलाज को जो हर एक बीमारी में सही लगाया जाता है। और एंटीडोट, जैसे कि मैंने आपको बताया, जहर को मारने की दवा को एंटीडोट कहते हैं, राइट।
आशीष जी, अब सबसे पहले वैकेंसी आएगी हमारे पास सीजीएल 2020-21 की, और उसके बाद हमारे पास आएगी एमटीएस की, ठीक है, देन उसके बाद सीएचएसएल आएगा। चलिए नंबर 8 क्वेश्चन है, अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सुंदर सुंदर सजा के लिखता है उसे क्या कहते हैं। गाइस 300 लाइक्स और 300 लाइव वॉचिंग है हमारा लक्ष्य, इस लक्ष्य तक पहुंचाइए। और गाइस आपका शेयर करना बहुत जरूरी है, आपके शेयर करे बिना नहीं पॉसिबल है ये, क्योंकि मैं सिर्फ चैनल पे आके पढ़ा सकती हूँ, इसे स्प्रेड करने की जिम्मेदारी आप लोगों की ही है, ठीक है। चलिए तो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सजा के लिखता है उसे क्या कहते हैं, उसे कैलीग्राफर कहते हैं, उसे कोलियरी, कोलियरी तो कुछ कोल माइन जैसे साउंड कर रहा है, कोरियोग्राफर कहते हैं, कार्टोग्राफर कहते हैं। अच्छा अगर कोरियोग्राफर की बात करें तो ये तो शायद वो डांस रिलेटेड होता है ना, तो ये तो मेरा आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। कार्टोग्राफर की अगर बात करो तो कार्टोग्राफर वो होते हैं जो क्या बनाते हैं, जो मैप्स बनाते हैं ना, कार्टोग्राफर कौन होते हैं भाई, जो मैप्स बनाते हैं, ठीक है। अब बच्चा हमारा कोलियर, तो मुझे जहां तक लगता है ये शायद कोयले से रिलेटेड होना चाहिए। एंड कैलीग्राफी तो हमारा एक फॉन्ट भी होता है, अगर आप पीपीटी बनाओगे वर्ड बनाओगे तो वहां पे कैलीग्राफी मिलेगा जो बड़ी सुंदर सी हैंडराइटिंग देता है, तो मेरा जवाब तो इसी को जाता है। और बिल्कुल जी मैं बिल्कुल सही हूँ, कोलियरी अ कोल माइन, एक भाई कोयले की जो खदान, जो खदान ही बोलते हैं ना, हाँ कोयले खान जो होती है। कोरियोग्राफर वो होता है जो भाई डांस मूव सिखाता है, कार्टोग्राफर वो होता है जो मैप्स को प्रोड्यूस करता है या उन्हें ड्रॉ करता है, राइट। तो सही जवाब था हमारा ऑप्शन नंबर 1, और आई थिंक सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, राइट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ लेते हैं फटाफट से, अगला सवाल नंबर 9, मर्डर ऑफ अ सिस्टर, एक सिस्टर के हत्यारे या सिस्टर के डेथ को क्या कहा जाता है, किलिंग या मर्डर ऑफ सिस्टर को गाइस क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं पेरिसाइड, इसे कहते हैं सोरोरीसाइड, इसे कहते हैं होमिसाइड, या इसे कहा जाता है पेरिसाइड, पहला पेट्री था। अच्छा ये बात सभी लोग जानते हैं कि साइड वाले सारे के सारे वर्ड मरने के लिए होते हैं ना, जैसे कि भाई सुसाइड मतलब सेल्फ वाला, राइट। बफर हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि पीछे स्क्रीन पे सब कुछ सही चल रहा है, मेरी आवाज़ भी बिल्कुल सही आ रही है, थोड़ा इंटरनेट का इश्यू है, वीडियो में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, परेशान किसी को नहीं होना है, ठीक है। एवरीबॉडी बस लाइक एंड शेयर गाइस, 300 लाइक का हमारा है अभी मिशन, तो 300 लाइक्स हो जाने चाहिए, आप पर पूरा भरोसा है मुझे, ज़रूर हो गए होंगे अभी तक। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, तो पहले बात करते हैं साइड के शब्दों की, तो भाई बिल्कुल जी साइड का मतलब होता है किलिंग या फिर डेथ, ठीक है। साइड का मतलब क्या होता है, किलिंग या फिर डेथ, और इसमें से काफी सारे जवाब आप लोगों ने भाई बिल्कुल सही दिए हैं। तो साइड का एक वर्ड आपका जरूर एग्जाम में आता है, ठीक है, जैसे कि पेट्री, आप सबको पता है पेटर्नल से आया है, पेटर्नल का मतलब होता है भाई पिता, अगर इसमें हमारा मैट्री होता तो मैट्री हो जाता किसके लिए भाई, माता के लिए मतलब मदर, क्योंकि मैटर्नल मतलब मॉम होता है। होमी का मतलब होता है ह्यूमन की, तो मतलब जब कोई भी व्यक्ति किसी को मार दे, वंस किलिंग, इसमें कोई रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है, तो उसको होमिसाइड कहते हैं। पैरी, पैरी मतलब फॉर पेरेंट्स, जब माता पिता की हत्या हो जाए या माता पिता की किलिंग हो जाए तो उसको पेरिसाइड बोलते हैं। बच्चा सोरोरीसाइड, सो एस फॉर सोरोरीसाइड, एस फॉर सिस्टर, याद रख लेना, ठीक है। अगर यहाँ पर भाई होता तो क्या होता, भाई के लिए यहाँ पर होता भैया फैट्रीसाइड, क्या होता फैट्रीसाइड होता, ठीक है, क्या होता फैट्रीसाइड होता। बच्चा होता तो क्या होता, बच्चे के लिए होता है यहाँ पे इन्फेंटिसाइड, ठीक है। ऐसे हम पेस्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पेट्री फादर, सोरोरीसाइड सिस्टर, होमिसाइड किसी की भी हत्या होना, पेरिसाइड पेरेंट्स। वाइफ के लिए क्या यूज होता है, वाइफ के लिए होता है युक्सोरीसाइड, क्या होता है युक्सोरीसाइड, युक्सोरीसाइड मतलब वाइफ की हत्या होना। फ्रेटरी ब्रदर, इन्फेंटिसाइड इज इन्फेंट मतलब किसी बहुत नवजात शिशु की हत्या होना या उसकी किलिंग होना, राइट। हो याद हो गए सारे सारे वर्ड्स गाइस, स्टिल वी डिडंट हैव 300 लाइक्स, आई डोंट नो व्हाई, एंड अभी आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, हम तो अपना काम करेंगे जी। सही जवाब आप लोगों को मिल चुका है गाइज, आप लोग मेरे बैच का वेट कर रहे हैं। मैं एक बैच बना रही हूँ जो कि मैं एक प्रीमियम बैच बना रही हूँ, जिसको 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ भाई लेके आ रही हूँ, और इस बैच में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ एंड एमटीएस एंड स्टेनोग्राफर, ये 5 एग्जाम में कवर कर रही हूँ, जिसको मैं पढ़ाने वाली हूँ पूरे डेडिकेशन के साथ में। और इस बैच में सिर्फ 500 सीट्स ही होंगी अवेलेबल, और ये बैच सिर्फ वही लोग लें जिनका मिशन है कि 2020-2021 में
उनके पास सरकारी सीट होनी ही चाहिए। तो मेरे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने बिल्कुल मन बना लिया है कि सिलेक्शन लेना है और इंग्लिश में आउट ऑफ 50 40 प्लस गेन करना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। बैच स्टार्ट कर रही हूँ 19th of May से, और बैच रहेगा जो कि आपका चलेगा डेली 1 घंटे या 1.5 घंटे अकॉर्डिंगली, जिसमें हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल के साथ, हर एक रूल हर एक वर्ड को यहाँ पर याद करेंगे और बहुत कायदे से करेंगे। आपको क्या करना है, अड्डा स्टोर पर जाके मेरा कोड लगाना है Y172, आपको मिलेगा 30% का डिस्काउंट कोड से, और अगर आप ऐप पे जाएंगे तो 5% डिस्काउंट अलग से, ठीक है। तो टोटल आपको 35% का डिस्काउंट मिलेगा। 19th of May से स्टार्ट हो रहा है, मन बना लो और जिस जिसको सिलेक्शन लेने की पूरी इच्छा हो वो लोग इस बैच में आइएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा, क्या अगला सवाल है, वन हु हैज एन एग्जेजरेटेड फीलिंग ऑफ बीइंग इम्पॉर्टेंट। होते ना बहुत सारे लोग जिनको बहुत ज्यादा ये होता है कि यार मतलब मैं ही महत्वपूर्ण हूँ, बस मेरा ही सब कुछ है, तो उसे क्या कहा जाता है। सुरेंद्र जी बिल्कुल, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अचीविंग योर एम। आशीष, इट्स अप टू 28 फॉर जनरल कैटेगरी एंड फॉर ओबीसी रिलैक्सेशन इज ऑफ 3 years, SC/ST रिलैक्सेशन ऑफ 5 years एंड बाकी एक्स सर्विस मैन एंड और। उमंग बेटा, मॉब लिंचिंग का मतलब होता है जब किसी भी व्यक्ति को, मॉब का मतलब होता है भीड़, जब भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है तो बेटा उसको मॉब लिंचिंग कहा जाता है, जो कि एक गलत कार्य होता है, ठीक है। चलिए जी, तो बात करते हैं किसके बारे में, उस वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही इस बात से घिरा होता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ और मेरी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ईगोइस्टिक कहते हैं कि ईगोइस्टिक तो भाई कुछ ऐसा ईगो जैसा साउंड कर रहा है। पेसिमिस्ट हमने अभी पढ़ा था, कौन था ये, निराशावादी था। एंड टाउट तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन जी क्या हमारा, नार्सिसिज्म कहा जाता है उस कंडीशन के लिए जब कोई बहुत ज़्यादा इस बात पे फोकस करता है कि वो इम्पॉर्टेंट हो। ईगोइस्टिक कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो क्या है, जो घमंडी है। पेसिमिस्ट जो पॉजिटिव नहीं है। टॉट का मतलब होता है जब किसी भी काम को आप सीधे या अच्छे काम करके आप पैसा नहीं कमाते या काम नहीं करते, बल्कि आप क्या करते हैं, आप उस काम को करवाते हैं किसी भी गलत मेथड के द्वारा, जैसे कि पैसा कमाना जुए के द्वारा या रेस के द्वारा, जो कि लीगल एक्शन मनी नहीं मानी जाती है। तो जी उसको क्या कहते हैं, उसको टॉट कहा जाता है, राइट। इसको हिंदी में भी आप अगर देंगे तो इसको तोती कहते हैं, बट एक्चुअली कोई वर्ड नहीं है जिसे हम लोग यूज़ करते हों। नार्सिसिज्म इज द थिंग जिसमें कोई व्यक्ति सिर्फ अपने आप की इंपॉर्टेंस के बारे में सोचता है। नार्सिसिस्ट वो पर्सन, जैसे कि बताया आईएसटी वाला वर्ड गाइज हमेशा पर्सन के लिए यूज़ होता है। अगर यहाँ पे प्रोसेस पूछा जाता, यहाँ पे मेथड पूछा जाता, तो आप नार्सिसिज्म कर देते, पर्सन है इसलिए हमने यहाँ पे नार्सिसिस्ट लिखा है, ठीक है। नंबर 11th इज हियर, अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स। एक ऐसा व्यक्ति जो धोखा देके किसी दूसरे की आइडेंटिटी के रूप में रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इंपीरियलिस्ट, उसे कहते हैं इंप्रेशनिस्ट, उसे कहते हैं इम्प्लोरर, या जी उसे कहा जाता है इम्पोस्टर। ये लोग आई थिंक इस वर्ड को आप सभी जानते हैं। जी बिल्कुल विकास, बिल्कुल तैयारी शुरू कीजिए। राधे राधे जी, सुनील बता दीजिए भाई करेक्ट आंसर फटाफट से सभी लोग। अच्छा, इम्पीरियलिस्टिक तो कुछ इम्पीरियल जैसा नहीं साउंड कर रहा, और इम्पीरियल का मतलब तो शायद ये नहीं जाना चाहिए ना। यश जी, PDF के मैं आपको ग्रुप पे भेज देती हूँ, डेली क्लास के 5-10 मिनट के बाद ही मिल जाएगा। संजना बेटा, एक बार बंद करके दोबारा से वीडियो प्ले करो, प्ले हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल विकास, अड्डा स्टोर पर जाइए और ले लीजिए, ठीक है। ऑलराइट, तो बी और ए आप लोग आंसर बता रहे हो, चलिए ठीक है, चेक किया जाए कि भाई किसका आंसर यहाँ पर ठीक आ रहा है, बी या फिर ए। हाँ, बी और ए में सबसे ज्यादा चल रहा है भैया, बी और ए। ऑलराइट, ऑलराइट, देखिए जो भाई यहाँ पर आप सबसे पहला वर्ड देख रहे हो गाइज, ये तो हमारा सही जवाब बिल्कुल नहीं बन सकता है, क्योंकि पता है इंपीरियलिस्ट कौन होता है, इंपीरियलिस्ट वो होता है जो इंपीरियलिज्म में बिलीव करता है। अब इंपीरियलिज्म क्या होता है, इंपीरियलिज्म एक्चुअली एक वो प्रोसेस होता है जहाँ पर जो रिच गाँव होते हैं, जैसे कि जो भाई रिच और जो पावर वाले जो होते हैं ना, तो जब वो अपने से नीचे वालों पर शासन करने लगते हैं,
जब वो उन पर अपना प्रभुत्व हासिल कर लेते हैं ना, तो उस व्यक्ति को इम्पीरियलिस्ट कहा जाता है, और इस कार्य करने का जो ये जो प्रावधान है इसको इम्पीरियलिज्म कहा जाता है। राइट, समझ में आ रही है भाई ये बात, है ना? तो इम्पीरियलिस्ट कौन है? जो इम्पीरियलिज्म को फॉलो करता है। इम्पीरियलिज्म क्या है? जहाँ पर जो एक धनी राज्य है, जहाँ पर जो एक ज़्यादा अच्छा राज्य है, अच्छा किस सेंस में, मतलब पैसे में या फिर ज़्यादा प्रजा होने में, तो जब वो छोटे वाले राज्य, छोटे वाले गांवों पर जब वो प्रभुत्व हासिल कर लेता है तो उस व्यक्ति को इम्पीरियलिस्ट कहते हैं। ठीक है, राइट। बात करें अगर हम यहाँ पे इम्प्रेशनिस्ट की, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्रेशनिस्ट? अ पेंटर, राइटर और कंपोजर हु इज एन एक्सपोनेंट ऑफ इम्प्रेशनिज्म। जब कोई भी ऐसा कोई भी ऐसे कला वाला व्यक्ति, जो कलाकार है, जो अपने कार्य में क्या करता है, जो अपने कार्य में बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है, बहुत एक्सपर्ट है, उसको इम्प्रेशनिस्ट कहा जाता है। एम्प्लोरर का मतलब हो जाए डिमांडर, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिमांड करता है। इम्पोस्टर कहते हैं वो व्यक्ति जो दूसरे का पोस्टर लगा के घूमता है बट रियल में वो व्यक्ति नहीं होता है। सो इम्पोस्टर का मतलब होता है भैया धोखा देना, किसी दूसरे की आइडेंटिटी को लेके रहने को इम्पोस्टर कहा जाता है। ठीक है, सारे वर्ड समझ में आ गए हैं। पहला वर्ड इम्पीरियलिस्ट, जो इम्पीरियलिज्म को फॉलो करे, जहां पर एक धनी राज्य दूसरे कम धनी राज्य पर अपना प्रभुत्व बना लेता है। इम्प्रेशनिस्ट, कोई भी ऐसा कलाकार जो अपनी कला से दूसरों को इम्प्रेस करे। एम्प्लोरर, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा डिमांड, बहुत ज्यादा जो मांग रखता हो। और इम्पोस्टर, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे की आइडेंटिटी को यूज कर रहा हो। नंबर 12वां, वेव और फ्लोरिश एज अ ट्रीट और इन एंगर और एक्साइटमेंट। वेव और फ्लोरिश एज अ थ्रेट, सॉरी थ्रेट धमकी, और इन एंगर और एक्साइटमेंट, जी क्या कहा जाएगा इसको? हाँ शुभम, प्लेलिस्ट अपडेट हो रही है, जल्दी आपको मिल जाएंगी। थैंक यू निशी। पिंकी वेरी गुड, 9 out of 11, वेरी वेरी गुड, एब्सोल्युटली जी, आईएसटी पर्सन के लिए यूज होता है। तो किसी बात को भाई इस प्रकार बताना कि वो धमकी या गुस्से में या एक्साइटमेंट में लगे, उसे क्या कहेंगे जी? उसे कहेंगे ब्रॉन, उसे कहेंगे ब्रॉल, उसे कहेंगे ब्रिम, या उसे कहेंगे ब्रैंडिश। आयुष, क्लास का टाइम 10:15, देखो स्लाइड पे सबसे ऊपर लिखा है ना। विकास, ये वाला जो क्लास है ये इंग्लिश के लिए है, पूरा बैच भी आप ले सकते हैं, पूरा बैच भी है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। ऑल राइट, सो गाइस चलिए चेक किया जाए फटाफट से। तो अगर बात करें सबसे पहला वर्ड ब्रॉन, ब्रॉन का मतलब होता है फिजिकल स्ट्रेंथ इन कॉन्ट्रास्ट टू इंटेलिजेंस। मतलब वैसे भाई इसका यूज करते हैं ब्रॉन, जैसे कि किसी की बहुत मस्कुलर बॉडी है और वो इसका प्रयोग स्ट्रेंथ के लिए करते हैं तो उसको ब्रॉन बोलते हैं। ब्रॉल का मतलब होता है अ रफ और नॉइसी फाइट और क्वेरल, जब किसी शोर की जो आवाज़ आती है या दूर से कहीं लड़ाई हो रही है उसकी जो आवाज़ आती है उसको ब्रॉल कहते हैं। ब्रिम, ब्रिम जैसे कि जो हमारा कप होता है ना, जिस कप में जैसे आप हम चाय पीते हैं तो कप का जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ना भैया, इसे ब्रिम कहते हैं। ठीक है, या फिर जैसे कि अगर किसी ने हैट पहनी है तो इस हैट में जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ना, इसको भी ब्रिम कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा राउंड या सर्कुलर ऊपर का पार्ट जिसे, उसी को हम लोग ब्रिम कहते हैं। ब्रैंडिश है जी इसका करेक्ट आंसर। वेव और फ्लोरिश एज अ थ्रेट इन एंगर और एक्साइटमेंट। थ्रेट मतलब धमकी देना, एंगर और एक्साइटमेंट गुस्से में या फिर एक्साइटमेंट। सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? ब्रैंडिश। ब्रॉल मतलब क्या करना, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज करना। सॉरी ब्रॉन, ब्रॉल इज लाइक, ब्रॉल इज किसी भी, क्वेरल का जो नॉइस है, ब्रिम किसी भी राउंड चीज के ऊपर का जो पार्ट होता है जो ऐसे चूड़ी टाइप दिखता है, दैट इज ब्रिम। और ब्रैंडिश हमारा आंसर। चलिए, लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट वाइल, इसको हिंदी में कहते हैं जी क्षण भंगुर। बताइए कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्षण भंगुर? गाइस शेयर नहीं कर रहे, 300 नहीं हो रहे बस। इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बना के आपको पढ़ाते हैं, आप लोग शेयर भी नहीं करते। ट्रांसपेरेंट, तो भैया कोई भी चीज पारदर्शी होती है जो ऐसे इधर से उधर दिख जाए, है ना। टेम्पोरल,
टेम्परेरी एंड टेम्परेट। अब तो सबको पता चल गया होगा दुनिया के आसान सवालों में से एक है, और सभी लोगों का जवाब आया है जी बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। टेम्परेरी कहा जाता है उस चीज को जो सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए लास्ट करती है। जे ट्रांसपेरेंट स्पष्ट, जिसको लिया गया है एपेरेंट से, एपेरेंट का मतलब जी भी एक यही स्पष्ट होता है, पारदर्शी होता है। टेम्पोरल रिलेटिंग टू वर्ल्डली एज एक्सपोज टू स्पिरिचुअल अफेयर्स इज कॉल्ड टेम्पोरल। एंड टेम्परेट का मतलब होता है माइल्ड, जब कोई भी चीज़ कैसी होती है माइल्ड, मतलब नॉट टू स्ट्रांग नॉट टू वीक, दैट इज अ टेम्परेट थिंग, राइट। टेम्पर ग्लास है। चलिए अगला सवाल लेते हैं भाई। Usage of an incorrect word in place of the one which is similar in pronunciation, ऐसा बहुत बार हो जाता है भाई, सबके साथ होता है ऐसा कि आप कुछ और कहना चाह रहे हैं, बट जैसे कि आप माने कि आप accept कहना चाह रहे हैं, बट आपके मुंह से expect निकल गया क्योंकि बहुत ज़्यादा similar लग रहा है। तो गाइज इसे क्या कहते हैं, इस मिस्टेक करने को क्या कहते हैं कि आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं बट आपके मुंह से एक्सपेक्ट निकल गया क्योंकि बहुत ज्यादा सेम है। इस गलती को क्या कहते हैं जी इंग्लिश में, कितना बढ़िया सवाल है बताओ। ये तो हमने सोचा भी नहीं था कि इस गलती का नाम भी दे रखा है दुनिया में। जी अनिल जी धन्यवाद, अगर आप ऐसा एक स्टूडेंट और भाई की नजर से बोल रहे हैं क्योंकि हम मैरिड हैं, राइट। चलिए मजाक करें, आगे बढ़ते हैं। सो गाइज ऑल राइट, नंबर बी, यू मीन कि मेलेप्रोपिज्म, यू श्योर? ब्लूपर चेतन, यू श्योर? ब्लूपर, ब्लूपर तो शायद ये नहीं होता है ना, ब्लूपर तो हम बहुत देखते हैं आजकल यूट्यूब पे, बहुत ब्लूपर आते हैं ना, ब्लूपर नहीं है। स्पूनरिज्म है क्या, चम्मच जैसा साउंड कर रहा है ना, मेलेप्रोपिज्म है क्या, या फिर कॉप्सिंग है, क्या लगता है जी क्या होना चाहिए? ब्लूपर बता रहे हैं ज्यादातर लोग हैं, बाकी के लोग बोल रहे हैं कि मैम नंबर बी लगा दीजिए। अब सही जवाब की ओर कोई जा ही नहीं पा रहा है। चलिए बहुत बढ़िया है भाई, ज्यादा सेम होती है तो उस मिस्टेक को मेलेप्रोपिज्म कहते हैं। वैसे भी मेले का वर्ड जब भी यूज होता है ये हमेशा नेगेटिव या इस कंडीशन में ही यूज होता है, जैसे कि भाई मेलेफिशेंट यूज होता है, जैसे कि मेलेफिशेंट नहीं, जैसे कि वो मेल न्यूट्रिशन हम लोग यूज करते हैं, मेल कंटेंट हम लोग यूज करते हैं, ऐसे हमारा मेलेप्रोपिज्म जब किसी अप्रोप्रिएट वर्ड को हम गलत बोल देते हैं, राइट। वॉट इज हमारा स्पूनरिज्म क्या होता है? स्पूनरिज्म का मतलब होता है जब हम शुरुआत के दो वर्ड को आपस में चेंज कर देते हैं। मिस्टेक बाय अ स्पीकर इन विच द फर्स्ट साउंड ऑफ टू वर्ड्स आर चेंज्ड ओवर, गलती हो जाती है ना ऐसे। ब्लूपर का मतलब होता है एक एम्बेरसिंग एरर, बट डजंट मीन कि भाई ये हमेशा वर्ड वाली ही एरर हो। एंड व्हाट इज कॉर्प्सिंग? कॉर्प्सिंग का मतलब होता है ये ना शोज के दौरान किया जाता है, जब कोई स्टेज शो करता है या जब कोई कॉमेडी शो करता है तो वहाँ पे अनइंटेंशनली जो लाफिंग जबरदस्ती देनी होती है ना उसके लिए स्लैंग यूज होते हैं, क्या उसको बोलते हैं भाई? कॉप्सिंग, जबरदस्ती हंसने वाला। थैंक यू हेमंत, आई होप इट हेल्प्स यू इन एग्जाम। नंबर 15 पे आ जाइए। साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड, साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड, जहां पर मैनकाइंड की रेसेस के बारे में पढ़ा जाता है जी, उसे क्या कहते हैं? उस क्वेश्चन को उसे कहते हैं जीनोलॉजी, उसे कहते हैं ईटियोलॉजी, उसे कहते हैं एथनोलॉजी, या उसे कहते हैं जी सोशियोलॉजी, क्या कहते हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल आ गया, सबका फेवरेट है ना। अच्छा 11 भी बज गए इतनी जल्दी, क्या बात है, सच में नहीं पता चला। गाइज लाइक कर दीजिएगा ठीक है, 400 लाइक्स अभी हमारे पास हो जाने चाहिए, इतना बढ़िया बढ़िया सवाल है आज हमारे पास में भाई, राइट। तो 370 हो चुके हैं, हम सिर्फ 30 लाइक दूर है केवल। हाँ अगर बात करें पहले वर्ड की तो भैया पहला वर्ड तो कुछ यहाँ पर जीन जैसा साउंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब जीनियोलॉजी तो कहीं ना कहीं हमारा ऐसा वर्ड होगा जो किससे रिलेटेड होगा, जो हमारा जीन्स से रिलेटेड होगा, हाँ राइट, एब्सोल्यूटली गुड। तो देखते हैं भाई कितने आंसर हमारे पास के सही आते हैं। ओके तो एथनोलॉजी को बहुत सारे सही जवाब जा रहे हैं, तो क्या आपका सबका जवाब सही है? एब्सोल्युटली करेक्ट जी, एथनोलॉजी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, वेरी गुड।
देखिए जीनियोलॉजी इज अबाउट जीन्स, तो भाई जीन्स आप जानते हैं मतलब जो हमारे पूर्वजों से हम में आते हैं। व्हाट इज ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी का मतलब होता है जो जहाँ पर आप रोगों के कारण होने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ते हो कि किसी बीमारी का कोज क्या है, ठीक है, उसका कारण क्या है। सोशियोलॉजी हम सब जानते ही हैं, आंसर है हमारा नंबर सी, क्या है जो सही आंसर नंबर सी हमारा, एथनोलॉजी। जीनियोलॉजी अ लाइन ऑफ डिसेंट ट्रेस्ड कॉन्टिन्यूअसली फ्रॉम एन एंसेस्टर्स, कितना मुश्किल है यहाँ से मैंने कितना अच्छा बताया। इटियोलॉजी द कॉज causes or manner of causation of it, answer tha hamara ethnology. One who offers his services without charging for it, kitne kam log hote hain duniya mein aise, hai na, jo apni services ko offer karte hain bina charge kiye, jaise ki hamari maa, hamari maa hamare liye sara kaam karti hai but fir bhi uske badle mein humse kuch nahi mangti, hai na, sivaye thode se pyar ke words ke aur thode se respect ke alawa. यश, अगर ये क्वेश्चन आपके सीजल एग्जाम में आ रहा होता तो मैं जरूर बताती। अनुज प्रताप जी, आपको अड्डा के स्टोर पर जाना है और अड्डा के स्टोर पर जब आप जाएंगे तो एसएससी फाउंडेशन 2.0 करके एक बैच है जिसमें हम पूरी टीम पढ़ाने वाली है, 6 फैकल्टीज उस बैच में हैं, आप या तो उसे ले सकते हैं, साथ ही साथ एक सेपरेट इंग्लिश का बैच भी बनाया गया है जिस बैच में मैं सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर एंड सीपीओ को कवर कर रही हूँ, आप इस बैच को भी ले सकते हैं। आपको काम छोटा सा ये करना है, आपको कोड लगाना है Y172, 30% डिस्काउंट एंड ऐप का यूज़ करेंगे एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट, टोटल 35%। आंसर आ रहा है बी और सी, चलिए जी चेक किया जाए क्या सबका आंसर करेक्ट है। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं मैम मर्सिनरी को आंसर लगा दीजिए, कतई गलत। गाइस मर्सिनरी लग रहा है मर्सी जैसे बट बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही धोखेबाज वर्ड है। मर्सिनरी वो होते हैं जो मात्र और मात्र मनी के लिए काम करते हैं, ऐसे लोग जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, जो व्यक्ति अपनी मर्डर का मतलब होता है वुमेनाइज पर्सन। गाइस जब भी फिल आ जाए ना, फिल का मतलब हमेशा होता है लवर, क्या होता है लवर, जैसे कि बिब्लियोफाइल किताबों का लवर, सिनोफाइल डॉग्स का लवर, मर्सिनरी जिसका इंसान का दिमाग सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोचता हो, मिशनरी एक ऐसा व्यक्ति जो एक रिलीजियस मिशन पर भेजा गया हो। मिशनरी से मिशन तो समझ में आ रहा है बट गाइस रिलीजियस का भी ध्यान रखना, जो धार्मिक मिशन पर भेजा गया होता है उसको मिशनरी कहा जाता है, ठीक है जी। राइट, चलिए लेकर आते हैं अपना अगला सवाल, और जो लोग आज चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तहे दिल से स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर और सेशन को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 17 इज हियर, अ चाइल्ड सीक्रेटली चेंज्ड फॉर अनदर इन इन्फेंसी, जब कोई बच्चा पैदा हुआ हो उसे किसी दूसरे से बदल दिया जाए, पुरानी पिक्चरों में ये काम बहुत होता था, इसे क्या कहते हैं, उस प्यारे से बच्चे को क्या कहते हैं, निपर, चेंजलिंग, टिडलर या फिर टाइक। नहीं नहीं अनिल, बिल्कुल नहीं होगा, कोरोना दुनिया को खत्म नहीं करेगा, दुनिया कोरोना को ही खत्म करेगी, टेंशन ना लो, ठीक है। थैंक यू सो मच सुरेंद्र सिंह जी, थैंक यू सो मच सुनील जी। सर अभी लाइव क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं। राम नायक जी, इंग्लिश भाई राखी मैम, देवांशु बहुत बहुत स्वागत है, तो जल्दी से बताइए कि जी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर। सो गाइस लिखा है अ चाइल्ड सीक्रेटली चेंज्ड फॉर अनदर इन इन्फेंसी, जो बेचारा नवजात है और उसे बदल दिया जाए किसी दूसरे बच्चे के लिए, तो बस क्या करना है, देखो बस याद कर लो आप इसको, क्या चेंजलिंग, ये बेचारा वो छोटा बच्चा होता है जो बहुत छोटा होता है, सो निपर अ छोटा सा चाइल्ड, अ छोटा सा बच्चा, चेंजलिंग जिसको इन्फेंट में बदल दिया जाता है, टिडलर एक छोटी सी मछली होती है एक प्रकार की, बहुत डिटेल तो गाइज मैंने नहीं पढ़ी है बट टिडलर इज अ काइंड ऑफ फिश, टाइक, टाइक का मतलब होता है एक ऐसा बच्चा जो बहुत ज़्यादा शैतान होता है और बहुत ज़्यादा चीकी होता है, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बल्कि किसी के लिए भी, स्पेशली ना जो एलिफेंट्स होते हैं ना, एलिफेंट के जो छोटे से बच्चे होते हैं जो बहुत शैतान होते हैं, या जो पैंडाज होते हैं, तो पैंडा के छोटे से बच्चे को भी टाइक कहा जाता है जो बहुत शैतानियाँ करता है। सो निपर दूध पीता हुआ बच्चा, चेंजलिंग जब किसी भी छोटे से बच्चे को इन्फेंसी में ही बदल दिया जाए, टिडलर एक छोटे से फिश, अ काइंड ऑफ टाइक एक छोटा बच्चा, खासकर वो जो बहुत ज़्यादा शैतानियों से भरा हुआ जिसका दिमाग हो, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेकर आते हैं आपके लिए, अगला सवाल है हमारा क्या, क्लिक हो जा भाई, ये रहा, हार्श क्रिटिसिज्म और सेंसर, हार्ट क्रिटिसिज्म
मतलब किसी का बहुत किसी को बहुत क्रिटिसाइज करना, बहुत कमियां निकालने को क्या कहा जाएगा? ओप्रोब्रियम, ऑफिशियस, पर फंक्शनरी या फिर अप्रोबेशन। अप्रोबेशन। कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है गाइस, बस एग्जाम में गलत नहीं करना, यहां गलती करो चलेगा, ठीक है? हाँ, टोडलर भी बच्चा होता है। ऑल राइट जी, तो क्या लगता है जी क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? चलिए आपको मदद करते हैं कैसे कुछ वर्ड को यहाँ से याद कराने में। अगर बात करें यहाँ पर अप्रोबेशन की, तो याद रखिएगा अप्रोबेशन लिया गया है अप्रूव से। अप्रूव करना मतलब किसी के साथ में सहमति जताना। ओप्रोबियम, ओप्रोब्रियम को बनाया गया ओपोजिट से। ओपोजिट रहना मतलब किसी के हमेशा विरोध में रहना, और भैया जो विरोध में रहेगा ना वही दूसरे के खिलाफ अभद्र कमेंट करेगा। तो आपका सही जवाब था जी क्या? ओप्रोब्रियम, जब कोई किसी का विरोध करता है, किसी के ऑपोजिट में खड़ा होता है। ऑफिशियस का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत परेशान करता है ऑफिस में खासकर। असर्टिव ऑफ अथॉरिटी इन अ डोमिनेरिंग वे, मतलब वो अपना प्रभुत्व समझता है, अपना राज समझता है, तो दूसरे व्यक्ति को बहुत परेशान करता है। पर फंक्शनरी, जो बिना रियल इंटरेस्ट के ले जाए, कैरीड आउट विदाउट रियल इंटरेस्ट। अप्रोबेशन, अप्रूवल और प्रेज, किसी भी चीज पर बहुत आपको प्रेज मिलना या किसी बात का अप्रूवल मिलने को जी अप्रोबेशन कहा जाता है, राइट? सही जवाब मिल गया, कनेक्ट हो चुका है। ओप्रोब्रियम, ऑपोजिट, ओपोज करे जो विरोध करे। ऑफिशियस, एक ऑफिशियल ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा दुखी करता हो, बहुत ज्यादा परेशान करता हो। पर फंक्शनरी, बिना इंटरेस्ट के ले जाना। अप्रोबेशन, किसी भी चीज का अप्रूवल या किसी भी चीज की तारीफ मिल जाना। जी बिल्कुल अक्षय, अक्षय सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस लेवल का डिफरेंस होता है, ठीक है? या आकांक्षा, आई एम टीचिंग यू फ्रॉम होम। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नंबर 19। अ स्मॉल वैली, एक छोटी सी वैली को और क्या कहते हैं? सीथ, डेल, डेल तो लैपटॉप होता है ना, हिट या फिर ब्लैंच। जो आज चैनल पे पहली बार आए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको छोटा सा काम करना है, सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको सारी बढ़िया बढ़िया वीडियोस मिलेंगी, लाइक करके आपको मैम का मोटिवेशन बढ़ाना है, ठीक है? संजना, इंग्लिश बाय राखी मैम। ऑल राइट, सो अ स्मॉल वैली क्या लगता है जी क्या होना चाहिए? स्मॉल वैली, सीथ, डेल, हिट या फिर ब्लैंच। तो हम आपको बता दें कि ये जो इतनी ज्यादा फेमस कंपनी है जिसके लैपटॉप्स आपने सुने होंगे जी, इसी को डेल कहा जाता है, ठीक है? इसी को डेल कहा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज डेल। डेल, अ स्मॉल वैली। सीथ का मतलब होता है जब किसी भी चीज में उबाल आता है, उसे बॉइलिंग का जो प्रोसेस होता है उसको सीथ कहते हैं। हिट का मतलब आपको होता है भाई मारना या फिर लग जाना। एंड ब्लांच इज ए काइंड ऑफ ब्लीच, बट ब्लीच यूज करते हैं कपड़ों पर या स्किन पर, लेकिन ब्लांच यूज होता है फूड पर, जो फूड को डी कलर कर देता है। मतलब फूड कलरिंग क्या काम करती है? कलर देती है। बट ब्लांच क्या करता है? उस फूड के कलर को खत्म कर देता है, या तो उसको वाइट कर देता है या फिर उसको पेल, मतलब उसको थोड़ा सा हल्का कर देता है, ठीक है जी? तो ब्लांच को ब्लीच से याद रखना। ब्लीच इज फॉर क्लोथ्स और फॉर स्किन, एंड ब्लांच इज फॉर फूड। अ स्वीट म्यूजिक, एक प्यारे से म्यूजिक को क्या कहा जाएगा? ललबाई, मेलेडी, फॉक सॉन्ग या फिर डुएट। या डेल अ स्मॉल वैली। सो गाइज, लिखा है अ स्वीट म्यूजिक। अब देखिए ललाबाई का मतलब क्या है? ललाबाई का मतलब होता है लोरी, जो बचपन में हमारी माँ ने हमें सुनाई है ना। मेलेडी, मेलेडी बिल्कुल जिसका करेक्ट आंसर है। फॉक सॉन्ग का मतलब क्या होता है? जो कहीं का, जैसे कि भाई मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, रीजनल सॉन्ग हो सकता है, उसे हम लोग फॉक सॉन्ग बोलते हैं, जैसे कि राजस्थान साइड का जो म्यूजिक होता है। एंड डुएट तो आप जानते हैं, डुएट इज लाइक भाई जब दो लोग गाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज एब्सोल्युटली क्या भाई? मेलेडी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब था। ललबाई का मतलब होता है लोरी। नंबर 21।
सो गाइज दिस इज द बैच विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट SSC 2020 कंप्लीट फाउंडेशन बैच 2.0 जिस बैच में आपको पढ़ा रहे हैं 6 फैकल्टीज 285 प्लस आर्ट्स की क्लास एंड इस बैच को हम बना रहे हैं प्रीमियम बैच जिसमें हम सभी एग्जाम्स को कवर करने वाले हैं 19th ऑफ मे से स्टार्ट हो रहा है अगर आप इस बैच में आना चाहते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है पूरा बेहतरीन धांसू लेवल से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और आपको अड्डा के स्टोर पे जाके विजिट करना है ठीक है अ पर्सन विदाउट अ होम जॉब और प्रॉपर्टी एक ऐसा व्यक्ति जिसका ना तो घर है ना जॉब है ना प्रॉपर्टी है दुखी व्यक्ति हाँ एक ऐसा व्यक्ति ना घर है ना ठिकाना है ना प्रॉपर्टी है डेरेलिक्ट हॉरी कॉय प्रेटल क्या लगता है जी क्या होना चाहिए सही जवाब गाइस 500 लाइक्स का आज हमारा टारगेट है ठीक है तो ये जो हमारे 40 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है आप लोगों से विनम्र विनती है कि अगर अच्छा लग रहा हो सेशन तो आप लाइक कर दीजिए बस एक और सवाल करेंगे छुट्टी कर देंगे एनल टेंशन ना लो ठीक है मैं तो चाहती हूँ कम से कम 50 वन वर्ड पढ़ा वहाँ पे लोग थक जाते हो और चलिए तो ये चेक करते हैं यहाँ पे हाँ जो डिनर नहीं किया है अभी भी सोचा आपको एक बार पढ़ा दें फिर आराम से डिनर करेंगे क्योंकि वन वर्ड्स का जो कंटेंट होता है बहुत देर में बनता है क्योंकि हर एक वर्ड का मीनिंग भी लिख देती हूँ कि ताकि जब PDF बनाऊँ तो आपको समझ में आ जाए इसलिए वोकैब वाली जब वीडियो का कॉन्टेंट बनाते हैं तो चार चार पाँच पाँच घंटे लग जाते हैं इसे बनाने में ना पढ़ाने का तो काम 45-50 मिनट में हो जाता है लेकिन इसे बनाने का काम बहुत लंबा होता है चलिए एक ऐसा व्यक्ति भाई जिसके पास ना जॉब है ना प्रॉपर्टी है ना घर है उसे भैया डेरेलिक्ट कहते हैं हॉरी का मतलब होता है कलर होता है जो कि कैसा होता है थोड़ा फेड होता है फेडेड वाइट या ग्रेइश वाइट को हॉरी कहा जाता है कॉय का मतलब होता है विनम्र या फिर हम्बल या फिर जेंटल प्रेटल का मतलब होता है जी बक बक करना मतलब बैबल करना सो बक बक करना या बकवास बातें करना बैबलिंग करने को प्रेटल कहा जाता है प्रेटल बैबल बक बक करना कोए कोए का मतलब कौवा बिल्कुल भी नहीं है कौवे का ऑपोजिट है सो जो हमारा क्रो होता है वो कोए नहीं होता है वो हमारा जेंटल या वो हमारा पोलाइट नहीं होता है होरी इज ए काइंड ऑफ कलर जो कि ग्रेइश वाइट को कहा जाता है जैसे बाल हो जाते हैं सफ़ेद डायरेक्ट इज द पर्सन हु इज होमलेस जिसके पास भाई ना तो घर है ना जॉब है और ना ही प्रॉपर्टी है राइट और आज कल लेते हैं भैया आखिरी सवाल सीट ऑन एलिफेंट्स बैक एक हाथी के पीछे जब बैठ के यात्रा की जाती है तो जी उसे क्या कहा जाता है गाइस योगेंद्र भेज दूंगी अभी ग्रुप पे बस क्लास के 10 मिनट के बाद ही ठीक है अमिता जी कल का सेशन आ रहा है एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स पे बात करेंगे ट्रिक की भी कि कैसे सिनोनियम्स एंटोनियम्स को याद करें और सवाल भी सॉल्व करेंगे ठीक है थैंक यू महेश कुमार जी एंड थैंक यू गाइज थैंक यू सो मच सच में अच्छा लगा कि जो मेहनत आपके लिए की है उस मेहनत का फल मिल गया गर्दन में भी दर्द हो गया सच में सो गाइज सीट ऑन एलिफेंट्स बैक मैं तो अभी तक नहीं बैठी हूँ आप लोग बैठे हैं कि और अगर बैठे हैं तो बताइए उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं होडा उसे कहते हैं डॉट उसे कहते हैं एंड या उसे कहते हैं हर्टल गाइज होडा ही शायद कहते हैं क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है कि जो अंग्रेज बच्चे होते हैं ना जब वो हाथी को देख के बोलते बोलते मैम होडा होडा ऐसा है क्या ऐसा ही है भैया होडा जब किसी हाथी के पीछे बैठ के क्या सवारी की जाती है डॉट जब किसी भी चीज़ का एक्सट्रीमली कोई बहुत दीवाना होता है भी एक्सट्रीमली एंड अनक्रिटिकली फॉन्ड ऑफ किसी चीज़ को बहुत पसंद करने को डॉट बोलते हैं एंड यू का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बहुत ग्रेट एबिलिटी या क्वालिटी को प्रोवाइड कराना हर्टल का मतलब होता है जब कोई बहुत स्पीड से किसी भी जगह पर ड्राइव करता है और अनकंट्रोल्ड मैनर में जब वो स्पीड अपनी बढ़ाता है तो जी उसको हर्टल कहते हैं ठीक है सो हर्टलिंग इज़ नॉट गुड डोंट डू दिस होडा किसी एलिफेंट के पीछे बैठ के उसकी सवारी करना डॉट किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा फैन बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ होना एंड यू किसी भी ग्रेट क्वालिटी को शो करना एंड हर्टल किसी मूव को करना बट कैसे मैनर में एक अनकंट्रोल मैनर में अनकंट्रोल बोले तो कि बहुत तेज़ आप चला रहे हो और आपने मूव किया तो दैट इज़ अ हर्टल मतलब वो आप हमारे कंट्रोल में नहीं होता है काइंड ऑफ ठीक है जी नो नो योगेंद्र नया फाउंडेशन बैच आ रहा है उसमें मैं टीच कर रही हूँ ठीक है चलिए जी आगे बढ़ते हैं फटाफट से सो गाइस कल का सवाल मैंने पूछा था जिसका जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया था
और जवाब मुझे मुझे बताया था करण, आलमगीर, कुलदीप, आमिर हुसैन, पुरुषोत्तम जी, विपिन भूषण, विपेंद्र, शिवम, अंजलि, लोहा सिंह, मुस्कान, शिवेम, जरगम, विकास, प्रियंका, रूपा, नितिश, निशी, मेक्स हार, दीपक, रेचा, वर्षा, विक्रम, पिंकी, पूजा, श्वेता एंड संगति, पूजा, दिशा, प्रतीक। गाइस कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव। बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब बताया, सो लॉट कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। स्पेलिंग सही लिख देते हैं, राइट। आज का आपका सवाल होमवर्क का है जी, अ पर्सन हु हेट्स न्यू थिंग। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको नई चीज़ आने पर बड़ा गुस्सा आता है, ये क्यों ले आए, किस लिए ले आए, किसने कहा था। उन लोगों को क्या कहते हैं जिनको नई चीज़ों से दिक्कत होती है, और लड़कियां तो ये बिल्कुल नहीं होती, लड़कियों को तो नई चीज़ें बड़ी पसंद होती हैं। वो व्यक्ति जो नई चीज़ों को पसंद नहीं करता है उसे क्या कहते हैं। इस सवाल का जवाब आप मुझे अभी नहीं बताएंगे, आप मुझे बताएंगे इस वीडियो के कॉमेंट में, जिस कॉमेंट को मैं लाइक करूँगी, और साथ ही साथ आपके कॉमेंट को कल के सेशन में भी दिखाया जाएगा। और आप अपने मम्मी पापा को बताना कि देखो मेरा नाम पूरे भारत के लोग देख सकते हैं, ठीक है। विपेंद्र इज ऑन टेलीग्राम। सो गाइज कल क्या करें, कोई बात नहीं प्रज्ञा, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आई नो, नो प्रॉब्लम, बट आज का जवाब आपको जरूर देना है, ठीक है। सो गाइज आई वॉन्ट जितने भी लोग देख रहे हैं सबके जवाब होने चाहिए, राइट। सो गाइज कल पढ़ेंगे क्या एंटोनियम सिनोनियम्स, जो तो हमारी बहुत बड़ी दिक्कत है, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि एंटोनियम सिनोनियम्स को कैसे करें कि एग्जाम में उन्हें भूल ना पाए। तो कुछ ट्रिक्स, कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखेंगे कल, ठीक है। एंड बस कल सब लोगों को टाइम से आना है, अपना ख्याल रखना है, घर के बाहर नहीं जाना है, मम्मी पापा का भी ख्याल रखना है, पढ़ाई करनी है। अभी आपको पीडीएफ थोड़ी देर में भेज देंगे, और सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग अच्छे से दुआ करेंगे कि जल्दी ही कंट्री में सब कुछ सही हो जाए। और भैया रमज़ान शुरू हो गए तो रमज़ान मुबारक जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पे। चलिए कल आपसे बात करते हैं, कमेंट या नहीं, कमेंट कहाँ भेजने हैं, बाद में भेजने हैं, ठीक है। चलिए गाइस, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, वो तो हमारा सबसे बड़ा फर्ज है। सो गाइस मिलती हूँ आपसे एक और वीडियो में कल फिर से 10:15 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। लाइक करके जाना, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय।